ये सरोजिनी मार्केट से कुछ कम नहीं है सर, कि वहां सस्ते से सस्ता चीजें मिलता है एंड आई गारंटेड कि आप लोगों को बहुत सारे चीजें पसंद आएगी। गोइंग टू अनाउंस समथिंग वेरी सून अबाउट मी। हेलो एवरीवन, सो टुडे आई एम हियर फॉर गिविंग यू द स्ट्रीट शॉपिंग हॉल वीडियो व्हिच आई गॉट फ्रॉम पूरी स्ट्रीट शॉपिंग और बीच मार्केट शॉपिंग भी आप बोल सकते हो। जैसे कि पिछले सारे ब्लॉग्स में आप देख रहे थे हम लोग बहुत सारी शॉपिंग की है, सो उनमें से आधा मतलब जो भी मेरे लिए था वो तो मेरे पास अभी है, लेकिन बाकी जो भी चीज़ें घर के लिए लिया गया था वो सारा मम्मी रख लिया है। दीदी के पास भी कुछ है, दीदी के घर में भी कुछ है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आज मैं इतना सज धज के क्यों बैठी हूँ? कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। मैं एक शॉर्ट्स बना रही थी मेकअप शॉर्ट्स बोल के, गेट रेडी विथ मी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी गेटअप में ये वाला वीडियो बनाया जाए। वैसे मैं बहुत दिन हो गया था वैसा वाला वीडियो नहीं बनाई हूँ कि हाँ थोड़ा एकदम प्रॉपरली टिप टॉप होके बैठ के थोड़ा आप लोगों के साथ बातें करना। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गया है हम लोगों का पूरी से आना एंड धीरे धीरे करके हर एक व्लॉग्स जा रहा था। तो मैंने सोचा कि हाँ जो भी चीज़ें मैंने लिया है वो सारा सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एंड हाँ, वहाँ बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें मिलता है बहुत ही कम प्राइस में, जो कि मैं आप लोगों को अगर कुछ याद रहा तो हर एक चीज़ का प्राइस भी मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ का ऐसा वैसा प्राइस होने वाला है, ठीक है। बाय द वे, घर में अभी मम्मी पापा कोई भी नहीं है, पता नहीं मैं लंच क्या करने वाली हूँ, बट हाँ मुझे फटाफट से ये निपटा के या तो फिर मुझे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना है, नहीं तो खुद से बनाकर मुझे खाना है। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। एवरीवन इन हियर, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑनली आई है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, उसके साथ बहुत ज्यादा मस्ती होता है। एंड रिसेंटली हम लोग कहीं जाने वाला है, रिसेंटली तो नहीं बोलूंगी, अभी टाइम है थोड़ा, वो सारा व्लॉग्स जब आएगा तब तो बहुत मजा आने वाला है। सो या वेदर रेडी फॉर द डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। ओके, सो मेरे हाथ में अभी रैंडमली जो भी चीज आएगा फटाफट से निकाल के मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है क्या इसके बाद ये दिखाना है उसके बाद वो दिखाना है। काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, फैंस भी ऑफ है, मतलब सो इरिटेटिंग। ऊपर से ये सब पहन के बैठी हूँ मैं अभी। बाय द वे, ये वाला नेक पीस मैंने मम्मी को गिफ्ट किया है, मम्मी अभी घर में है नहीं तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको एक बार पहन के ट्राई करके देखती हूँ। सो दिस इज़ काफ़ी नाइस। इन केस अगर आप लोगों के मन में सवाल उठता है कि हाँ ये वाला नेक पीस बहुत ही अच्छा है, देन अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट फ्रॉम ऑनलाइन, दिस इज फ्रॉम ऑफलाइन। तो उस दिन मॉल जाके मैंने मम्मी के लिए ये वाला चीज़ लेकर आई हूँ मैं, मदर स्पेशल गिफ्ट बोल के। एंड ओके, सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज मैंने ये वाला ज्वेलरी बॉक्स लिया है। ये 250 का पड़ा था मुझे और इसमें 3 सेट्स है। एक हो गया, इसके अंदर एक है, नेक्स्ट इसके अंदर ये भी एक है। इसमें मैंने पहले से मेरा जो रिंग्स है, काफी सारे रिंग्स मैंने इसमें डाल के रखे, आप देख सकते हो। सो या ये जो 3 का सेट है ये मुझे टोटल 250 रुपए में पड़ा था, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सस्ता लगा। ये काफी टिकाऊ है एंड मे बी इट्स हैंडमेड, पता नहीं, लेकिन हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा ये एस्थेटिक लगा तो ये मैंने लिया। इसके अलावा बहुत सारा प्रिंट्स भी था और ये सारा सब कुछ आप लोगों को पूरी का जो बीच है, बीच के ऑपोजिट साइड में जो भी दुकान है, ऑपोजिट साइड मीन्स रोड साइड जो भी दुकान है, लेफ्ट साइड में बीच साइड, उसमें आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा अच्छा चीजें मिल रहा था वहाँ से। या लेट इट बी, दिस इज द फर्स्ट थिंग एंड मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट से दिखाऊंगी एंड वीडियो एंड, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, गर्मी लग रही है एंड सोचो थोड़ा। ओके, सो द नेक्स्ट आइटम इज दिस पर्स। ये वाला पर्स मैंने मेरा वो चैलेंज वाला वीडियो में लिया था मैंने ये वाला पर्स। दिस इज ओर्थ फॉर 100 रुपीज एंड मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा ये। ब्लू कंपार्टमेंट है इसमें एंड अभी तक मैंने इसके अंदर से प्लास्टिक नहीं निकाला, अभी तक यूज नहीं किया मैंने इसको। मैं सोच रही हूँ मैं इसको मम्मी को दे दूंगी क्योंकि ऐसा वाला पर्स मम्मी ज्यादा यूज करती है, मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना मोटा वाला पर्स लेके मैं क्या करूंगी, मैं सोच रही हूँ मैं इसको मम्मी को दे दूंगी। सो इसका प्रिंट, ये वाला प्रिंट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऐसे वाले साड़ी के साथ ये वाला प्रिंट बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना। या दिस इज फॉर 100 रुपीज, ये मैंने वहां से लिया था जहाँ वो खाजा वगैरह मिलता है ना, वाले दुकान के ठीक बाजू वाले में एक दुकान है। सो या
वहां से लिया था मैंने इसको. ओके सो द नेक्स्ट इज दिस इज वन ऑफ द ड्रेस विच आई बॉट फ्रॉम पूरी. कुटकी नहीं इसका कपड़ा, जैसे कि हम लोगों को पता है कि पूरी का स्पेशलिटी है कुटकी कपड़ा. ये कुटकी का नहीं है, एक कफ्तान लिया था मैंने. इसको देख के देखो पूरा एकदम मैं ढक जा रही हूँ. स्क्वायर शेप में है एंड रिसेंटली आप लोग देख चुके होंगे मेरा इस वाले ड्रेस में एक शॉर्ट्स. बहुत ही अच्छा है कपड़ा, बहुत ही सॉफ्ट है. इसको मैं अभी यहाँ रख नहीं सकती तो तो ड्रेस दिखा रही हूँ तो ड्रेस का जो सिन है वो पहले निपटा देती हूँ. उस दिन मैंने वहां से ये वाला शॉर्ट कुर्ता भी लिया था जो कि कुछ ऐसा है देखने में. एंड आप साइड में देख ट्राई ऑन में आप देख भी सकते हो कि कैसे लग रही हूँ इसमें. एंड ये मैं डेली वेयर में यूज कर सकती हूँ. ये भी पड़ा था 250 रुपीज में. एंड पहला वाला जो कफ्तान आप देख रहे हो वो मे बी मुझे 350 रुपए में पड़ा था. एंड नेक्स्ट ड्रेस के अंदर मुझे सबसे फेवरेट लगा था मुझे ये वाला मेरा शॉर्ट स्कर्ट, सॉरी लॉन्ग स्कर्ट. इसका प्रिंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. रेड के अंदर कुछ भी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है. आई लव द रेड कलर स्पेशली दिस वन. ये मुझे शायद मे बी ये कितने में पड़ा था यार, ये शायद 350 में ही पड़ा था, मुझे अभी एकदम एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है. सो यार ड्रेस के अंदर तो ये तीनों ही था. ओके सो द नेक्स्ट वन इज बीच मार्केट से ये दोनों बटुआ जैसा लिया था, एक मम्मी के लिए एक मेरे लिए. मुझे ये वाला इतना प्यारा लगा, इतना अच्छा लगा ना, आई कांट एक्सप्लेन. स्पेशली ब्लैक वन, ब्लैक तो हर एक के साथ जाता है. मैंने अपने लिए ब्लैक रखा है और मम्मी को ये देने के लिए सोच रही हूँ मैं. जो भी हो दोनों ही यूज करेंगे. एंड यू नो वट, ये कितने में पड़ा मुझे, ये 150, ये 150 का पड़ा. मुझे बहुत ही सस्ता लगा. बाय द वे ये सब कुछ बहुत ही बर्गेनिंग करने के बाद मिला है मुझे. डायरेक्ट प्राइस किसी का भी मैं बता नहीं रही हूँ और याद भी नहीं है मुझे. बस कितना पैसा दिया था हमने उसको वो बता रही हूँ मैं बस. ओके सो और एक बैग हमने लिया था जो कि है दिस वन. इसमें हैंडल्स भी है एंड ये कुछ ऐसा है देखने में. ये हम लोगों को 250 रुपए में पड़ा है. बहुत ही मुझे क्यूट लगा, प्यारा लगा. ये अंदर का जो कपड़ा है वो थोड़ा सी थ्रू टाइप्स का है, मतलब कुछ ज्यादा टिकाऊ जैसा नहीं लग रहा है. बट हाँ ये स्टाइल के लिए तो एकदम परफेक्ट है. मैं इसको आराम से कुर्ती वगैरह के साथ स्टाइल कर सकती हूँ. सो या इसलिए ये सोच के मैंने दिया था. मम्मी को ये बहुत ज्यादा पसंद आई है लेकिन मैं जानती हूँ मम्मी ये वाला पर्स यूज करेंगी नहीं. तो मम्मी ऐसा कलर वाला कभी यूज करती नहीं है तो इसलिए. एंड दिस इज ओल्ड फॉर 250 रुपीज. ओके तो मैंने बीच मार्केट से ये वाला जगन्नाथ वाला मैग्नेट भी लिया था जो कि अभी तक मैंने यूज नहीं किया है कहीं पर भी. मैं ये फ्रीज में नहीं लगा सकती लेकिन मैं सोच रही हूँ मेरे रूम में ही किसी कॉर्नर में इसको लगाने की. नहीं क्यों, मेरा आज वाला मेकअप मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. ओके तो अभी मैं कुछ ज्वेलरीज दिखाने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत ही सस्ते में पड़ा. अब लोग मैं बता नहीं सकती इतना सस्ते में. तो मैंने बहुत सारा उठा लिया है क्योंकि एक गाड़ी जा रहा है. तो बहुत सारा ज्वेलरीज मैंने लिया है, इयररिंग्स लिया है, कुछ नेक पीसेस भी लिया है जो कि 100 के भी कम प्राइस में मुझे मिला. मतलब सोचो एक बार, किसी को क्या ही पता चलेगा कि आपने जो पहना है उसका प्राइस कितना है. सो दिस इज वन ऑफ द नेक पीस विच आई गॉट जस्ट ओनली फॉर 60 रुपीज. कैन यू इमेजिन, ये इतना प्यारा है, इतना अच्छा है. ये सारा सब कुछ पूरी स्ट्रीट मार्केट से मिलता है. स्ट्रीट मार्केट मतलब बीच मार्केट से मिलता है. सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया था. बहुत ही अच्छा लगा मुझे. ये बेसिकली वेस्टर्न वेयर के साथ जाता है. अगर आप वैसा वाला साड़ी भी पहनते हो तो ये बेसिकली ऐसे करके पहनते हैं. दोनों स्टोन का टफ दिया हुआ है. एंड सेम वैसा वाला दोनों लिया था मैंने. जस्ट लुक एट दिस, आई एम जस्ट टोटली लविंग दिस. मतलब वो भी 60, ये भी 60. इतना प्यारा चीज़ें 60 रुपीज़ में मिल रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वैसा वाला है कि हाँ आसानी से टूट जाएगा या आसानी से ये खराब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही प्यारा है, बहुत ही टिकाऊ है. सीरियसली मतलब कुछ कहना ही नहीं है. अगर आप लोग कभी भी पूरी जाते हो तो प्लीज पूरी बीच मार्केट से शॉपिंग करना ही करना, क्योंकि वहाँ सस्ते से सस्ता चीज मिलता है. 10 रुपए से स्टार्टिंग होता है, 100,
200, 250, 300, 500 एंड ऑनवर्ड्स चलता रहता है। बाय द वे हमने वहाँ से जगन्नाथ देव भी लाया है जो अभी हमारे गांव वाले घर में रखा हुआ है, बड़ा साइज वाला लाया है वहाँ से। तो वो हम लोगों को करीब शायद 850 रुपए में पड़ा था, बोला था 1200 रुपए, हमने उसको बर्गेनिंग करते 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 उसको 800 रुपए में लाया था। रिसेंटली वहाँ जाने वाली हूँ तो वहाँ का होम टूर भी हम लोगों को देना है, रेनोवेटेड हाउस होम टूर। जगन्नाथ देव लाने का जो डिमांड था ना वो बेसिकली पापा का था, पापा बोले थे कि हाँ मेरे लिए लाना जगन्नाथ देव। सो नेक्स्ट ये दो बैंगल्स मैंने लिया है, ये वो कोड़ी का आता है ना, कोड़ी का है, पता है आप लोगों को कि सी बीच में हम जाते हो और ऐसा वाला कुछ नहीं लोगे तो कैसे चलेगा, उसमें गए हो पूरी गए हो तो उसका थोड़ा बहुत तो निशानी वहां से लाना ही चाहिए ना। तो ये वाला कोड़ी वाला एक बैंगल्स लिया है मैंने, और ये एक ऑक्सीडाइज का बैंगल लिया है जो कि मुझे बहुत यूनिक लगा, मैंने पहले तो ऐसा वाला स्क्वायर वाला बैंगल्स देखा नहीं था। सो या ये दो मुझे शायद ना एक साथ मुझे 100 रुपए का पड़ा था शायद। ये बेसिकली स्ट्रीट शॉपिंग नहीं था, ये एक दुकान था अच्छा खासा ज्वेलरी का, वहां से लिया था मैंने। एंड नेक्स्ट मम्मी के लिए मैंने और एक पर्ल्स का ये वाला हार लेकर आई हूँ। मम्मी को पर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैं हमेशा मम्मी को प्रेफर करती हूँ का जो भी पसंद है वैसा रिलेटेड कुछ देने की। तो ये वाला पर्ल्स का जो हार आप देख रहे हो बहुत यहाँ तक का है, एक लंबा वाला हार, ये मुझे 60 रुपीज में पड़ा था, ये भी 60 और मे भी 70 रुपीज में पड़ा था। सो मतलब खुश हो गई थी मम्मी जब। सो नेक्स्ट दिस नेक पीस भी सेम कोड़ी का बनाया हुआ है, ये मुझे 100 का पड़ा था। सोच रहे हो इतने कम प्राइस में इतना अच्छा अच्छा सामान मिल रहा है वहाँ, और मैं तो कोशिश ही करती हूँ कि कहीं पर भी ऐसा जगह जाऊँ जहाँ ऐसा स्ट्रीट मार्केट जैसा है उसको एक्सप्लोर करूँ, वहाँ कितने प्राइस में क्या क्या मिल रहा है वो मुझे जानने का बहुत ही शौक होता है। अगर कम प्राइस में कुछ मिलता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ वहाँ से लेना। इसको मैं बहुत सारा वे में स्टाइल कर सकती हूँ, इसको साड़ी के साथ हो, अनारकली के साथ हो, कुर्ता के साथ हो। एंड नेक्स्ट दिस ब्यूटीफुल ब्लैक वाला जो नेक पीस है वो मैंने लिया है, दिस इज ओनली फॉर 150। अब सिर्फ देखो यार इसका लुक देखो, मतलब मैं तो फिदा हो रही हूँ इसके ऊपर, इतना प्यारा है यार, इतना प्यारा है। तो भी कुछ लेती हूँ ना इंस्टेंटली मैं सोच लेती हूँ कि इसको इसके साथ पेयर करना है, इसके साथ पेयर करूँगी तो अच्छा दिखेगा, एंड मुझे ये सब का कलेक्शन करना भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग कभी भी वहाँ जाओगे तो स्ट्रीट मार्केट ज़रूर से ज़रूर विजिट करना, एंड ये सब रात को खुला रहता है, दिन में खुला नहीं रहता है, खुला रहता है लेकिन आप लोग दिन में उतना चल नहीं पाओगे कि धूप बहुत ज़्यादा रहता है ना, तो इससे अच्छा आप लोग रात में शाम से आराम से निकल जाओ, 5 बजे से निकल जाओ, एकदम 10, 9:30, 10 बजे तक आराम से शॉपिंग करो, सारा सब कुछ मिल जाएगा एंड आराम से आप एक्सप्लोर कर पाओगे। एंड द लास्ट स्नीक पीस इज दिस वन, इसका कलर मैंने आप लोगों को बोला जाए रेड कलर बहुत ही प्यारा है, ये देख के थोड़ा मामूली सा लग रहा है वैसे, लेकिन ये मैं जब इसको पहनती हूँ ना मतलब ये जस्ट ऑसम है। दिस इज ओट फॉर 100 रुपीज, बहुत ही अच्छा लगा। दीदी ने ऑलरेडी इसको पहन के फोटोज क्लिक कर लिया है, दीदी ने भी एक लिया है पीच कलर का या ब्लू कलर का, शायद एडजस्ट कर सकते हो अप डाउन करके, एंड इसको अगर इसको मैं अगर एकदम ऐसे चिपका के पहनूंगी तो शायद ये ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड इसके साथ इयर भी है। एंड अब बस कुछ और ही चीज़ें बाकी रह गया है, बस 3 चीज़ें बाकी रह गया है जो कि है इयर रिंग्स। मैंने ऊड का इयर रिंग्स लिया है, एंड यू कैन सी ये आउल है, ये सेम टू सेम मैंने भी लिया है, दीदी ने भी लिया है। दीदी का कलर थोड़ा मेरा इस साड़ी का कलर का है, एंड मैंने ये डीप कलर का लिया है और सिर्फ मुझे 30 रुपीज में मिला था, 30। इतना अच्छे से कट करके इसका वर्क किया है ना इसने भी, बनाया है इसको, बहुत ही डिटेलिंग है इसमें, एंड आई जस्ट लव इट। ये भी वुडन वर्क में ही है, देख सकते हो ये दोनों मैंने लिया था। बाय द वे ये अगर मैं आज इस साड़ी के साथ पहनती तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। मैंने सोचा कि एक नया लाई हूँ तो इसको थोड़ा एक बार ट्राई करके देखती हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्लाईवुड आता है ना उसको कट कट के बनाया गया है, बहुत ही डिटेलिंग वर्क है, एंड आई जस्ट love it seriously।
एंड नेक्स्ट और भी दो बज गए, एक के अंदर ही दो था। ये दो मैंने मल्टी कलर का इयर रिंग्स लिया है, ये वेस्टर्न वेयर के लिए है। तो मुझे बहुत ज्यादा एस्थेटिक लगा ये वाला, मतलब ये किसी के साथ भी पहन सकते हैं हम, क्योंकि ये मल्टी कलर में है। ये वाला थोड़ा ब्लैक में है एंड ये थोड़ा कलरफुल में है। सो या ये भी मुझे 30 रुपीज में मिला था, मतलब दोनों मिला के 30 रुपीज, पता है, क्योंकि एक ही पैकेट्स में था, बहुत सारा था वैरायटी, तो उनमें से मुझे ये वाला ज्यादा प्यारा लगा। मगर भी बहुत सारा चीजें हमने लिया है, काकी माँ गए थे, दीदी गई थी, तो घर का बहुत सामान लाए हैं हम वहां से। जो भी मैंने मेरे लिए लिया है वो सारा सब कुछ मैंने इस वीडियो में शॉपिंग हॉल में कवर किया है। यू नो व्हाट, इतना ज्यादा गर्मी लग रही है ना, इतना हंस हंस के बातें कर रही हूँ। जब भी मेरा बोलना खत्म हो रहा है तब अगर मेरा फेस देखोगे तो आप लोग, जो भी हो, दैट्स All about my पूरी shopping haul video. I hope you will like it. मैं वापस से बोल रही हूँ, अगर आप वहाँ जाते हो तो जरूर से जरूर बीच मार्केट को विजिट करना, एकदम ही मत भूलना, क्योंकि वहाँ सस्ते से सस्ता चीजें मिलता है। एंड आई गारंटेड कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें पसंद आएगी, स्पेशली मम्मी लोगों को, क्योंकि वहाँ मार्बल का बहुत सारा चीजें मिलता है, वो होता है ना रोटी बनाने के लिए, चाकी बेलना, वो सब मिलता है, बहुत सारा ढेर सारा ज्वेलरी, ढेर सारा ड्रेसेस, जो कि बहुत ही कम प्राइस में मिलते हैं। मतलब ये सरोजिनी मार्केट से कुछ कम नहीं है। सरोजिनी मार्केट में सिर्फ ड्रेसेस आइटम हैं, यहाँ वहाँ का जो स्पेशलिटी है, समुद्रिक जो भी चीजें मिलता है, शंख वगैरह, पूरी, मतलब जो भी चीजें समुद्र से मिलता है, वो सब रिलेटेड भी बहुत सारा ज्वेलरी एंड चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ऊपर से वो सब बर्तन वगैरह भी बहुत सारा मिलेगा, कोटकी का कपड़ा मिलेगा, साड़ी मिलेगा। मुझे साड़ी लेने का बहुत शौक था, लेकिन पापा ने कहा कि वहां से कभी साड़ी मत लेना, क्योंकि वहां का साड़ी का जो लेंथ होता है ना, बहुत ही छोटा आता है। पापा एक बार लाए थे, ठीक है चलो रहने दिया, साड़ी के लिए कभी मत जाना वहाँ, क्योंकि सीरियसली साड़ी का लेंथ बहुत ही छोटा होता है। ऊपर से अगर आप उसको धो दोगे तो उसका लेंथ और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, मतलब कपड़ा के ऊपर डिपेंड करता है मे बी। सो या दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज वीडियो, आई होप यू विल लाइक इट। एंड मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऊपर से नीचे से मुझे कोपा बुला रही है, उसको भूख लगे, उसको खिलाना है। सो या अभी मुझे जाना चाहिए। एंड या प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना एंड ढेर सारा प्यार देना, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आती तो हूँ हमेशा एकदम स्माइल करके। आप लोग मेरा शॉर्ट्स चेक कर सकते हो, इफ़ यू आर न्यू हियर देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल। एंड और क्या बोलूँ, क्या बाकी रह गया है। एंड रिसेंटली आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग अबाउट मी, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वो सब कुछ, मेरा ड्रीम जो था, जो मैं लाइफ में करना चाहती थी, वो सारा सब कुछ मिला के आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट। जो चीज़ें मैं लाइफ में करना चाहती थी वो सारा सब कुछ लेकर अभी मैं उसके पीछे काम कर रही हूँ। गोइंग टू अनाउंस समथिंग वेरी सून, सो उसके लिए वेट करना। एंड आप लोगों के सपोर्ट की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, कि या आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर लव। एंड या दैट्स ऑल, बाय, सी यू नेक्स्ट मंथ, टिल देन टेक केयर, खाने मेरे ओके सो अभी हाथ में मेरा रैंडम ओके सो हाथ में मेरा रैंडमली